हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस गिरी और आप देख रहे हैं पीके यानी प्रिंस भाई के जीके। आज की इस नए वीडियो में आपको बंदरों से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे। हर साल 14 दिसंबर को विश्व बंदर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत सन 2000 में हुई थी और एक मजाक के रूम में हुई थी। आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन बंदरों को दो हिस्सों में बांटा गया। जो बंदर अफ्रीका में रहते हैं उनको पुराने बंदर और जो बंदर दक्षिण अमेरिका में रहते हैं उनको नए बंदर कहते हैं। पुराने बंदरों के 32 दांत होते हैं लेकिन नए बंदरों के 36 दांत होते हैं। बंदरों के लगभग 260 जीवित प्रजाति है। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ ब्राज़ील में पाई जाती है। सभी बंदरों के पास अपना फिंगरप्रिंट होता है। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला बंदर अल्बर्ट सेकंड था, जो 1949 में पृथ्वी से 83 मील ऊंचाई पर था। दुनिया का सबसे बड़ा बंदर मैंड्रिल है। इसका वजन 35 kg और इसकी लंबाई 3 फीट है। आपको बता दें कि बंदर भी गिनती गिन सकते हैं क्योंकि इनका IQ लेवल 74 होता है। महिला बंदर सेक्स करने के लिए पहले अपने हाथों पर पेशाब करती है और फिर उसे पूरे शरीर पर रगड़ लेती है। ये तरीका बस सेक्स और सेक्स के लिए लुभाने के लिए होता है। चीन और मलेशिया मरे हुए बंदरों के कच्चे और पके दिमाग को बड़े चाव से खाया करते हैं। मनुष्य और बंदरों का 98% DNA आपस में मिलता जुलता है। जापान के एक रेस्टोरेंट में बंदरों को वेटर्स की भांति प्रयोग किया जाता है। सन 2011 में भारत का एक बंदर को पाकिस्तान वालों ने गिरफ्तार कर लिया। वजह यह थी कि उसने भारत का बॉर्डर पार किया था। बंदरिया अपने पेट में बच्चों को लगभग 134 से 237 दिनों तक रखती है। बंदरों की उम्र लगभग 10 से 50 साल तक की होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से आपको बंदरों के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में पता चल गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।